नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के जगाधरी के केसर नगर में एक परिवार पर ऐसी आपदा पड़ी जिसने सबको हैरान कर दिया। घर में एक महीने बाद बेटी की शादी थी और घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों पर गए हुए थे। अचानक ही पीछे से घर में आग लग गई। पड़ोसियों ने जब घर से धुआं उठता देखा तो तुरंत मकान मालिक को सूचित किया और पड़ोसी खुद भी आग बुझाने में जुट गए। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर में रखा बेटी की शादी के लिए जमा किया दहेज का लाखों रुपए का सामान और घर का सामान जलकर राख हो चुका था। जिस लड़की की शादी थी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं है और उसके परिवार पर अब ये बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। उसने बताया कि जब आग लगी तब घर में कोई मौजूद नहीं था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के वक्त उनके घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते उन्होंने उन्हें सूचना देकर खुद ही पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन तब तक घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। उन्होंने भी परिवार पर आए इस संकट पर चिंता व्यक्त की है। फिलहाल इसकी सूचना बुढ़िया गेट पुलिस चौकी को दे दी गई है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। देखना होगा कि जांच के दौरान आग लगने के क्या कारण सामने आते हैं। वहीं जिस परिवार पर यह आर्थिक संकट आया है वो प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। दादा कहाँ के रहने वाले हो? ये घर में क्या हादसा हुआ? किस चीज का सामान था ये? दहेज। किसकी शादी होने वाली थी? मेरी। कब होनी थी शादी? एक महीने बाद। तो ये क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ? पता नहीं जी, घर पे कोई नहीं था जी। अच्छा, तो कितना का नुकसान हो गया आपके हिसाब से जो शादी का सामान था? नुकसान तो जी काफी हो गया। कहीं ना कहीं बचपन से आपकी मम्मी ने जो है सपने। सरला जी, ये कैसे हुआ घर में हादसा? ये मेरे ही पड़ोस में एक रामजीत नाम का आदमी रहता है। ये सारे ही परिवार के काम करने जाते हैं। माँ बेटी अपने घर परिवार का मतलब कोठे का काम करते हैं, झाड़ू पोछे का, और भाई उसके तीन है लड़की के, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। बाबू तो आज सुबह ऐसा होया कि 8:30 बजे भी काम पर चली गई होगी, सारे काम पर चली गई। और एक इनकी बड़ी बेटी है वो घर में रहती है, मतलब वो दिमाग से थोड़ी ऐसी है, वो ऊपर छत पे थी, कह नहीं सकते कि नीचे कैसे आग लगी है, दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो मैं भी नहाने के लिए गई थी, सामने वाले पड़ोसी ने देखा कि धुआं निकल रहा है ऊपर से, तो देखा तो बहुत भयंकर है, फली हुई थी देर में। उसके बाद फिर फैक्ट्री वाले भाई सारे इधर से आए, हमने इधर से पाइप लगाया, टंकी भरी हुई थी पानी की, बहुत सारा बड़ी मशक्कत के साथ हमने सब लोग मिलकर आग बुझाई। और नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि लड़की की शादी थी अभी और बड़ी के बाद में, और वो बेचारी लड़की ने अपने आप माँ बेटियों ने मेहनत करके बहुत कुछ सामान जोड़ रखा था, बच्चे के गहने भी थे, पैसे भी थे, और नए नए कपड़े, चूड़ा, लहंगा वगैरह सब चीज़ मतलब बनाया के लड़की ने अपने आप मेहनत से बेचारी ताकि ये नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कितना नुकसान हो गया? हो गया कम से कम 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान। तो क्योंकि घर का जितना भी सामान था, बेड भी, टीवी भी, एलईडी भी, फोन भी लड़की का, सब कुछ जल गया। पैसे भी थे, नगद भी रखे हुए, क्योंकि छोटा सा तो मकान था, अगले पेटी में जमा कर रखे थे जोड़ जोड़ करके, झाड़ू पोछा करते थे हर महीने की सैलरी लेकर अपने अपने। जो भी होया बहुत बुरा होया। तो शादी कब होने वाली थी? ये शादी होली के बाद, जो चैत के 9 तारीख, 1 महीना बाद, उसमें शादी। बाकी जो भी होया बहुत बुरा होया, लड़के का सारा सगन का सामान सब जल कर नहीं होना चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।